एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भारतीय नौसेना की तरफ से। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को पूरी तरीके से नकार दिया। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट निकलकर सामने आई है, सोचा आप सभी फ्रेंड्स तक बड़ी ही छोटी सी वीडियो के माध्यम से विस्तार से पहुंचा दो। तो चलिए, दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ने जो प्रस्ताव रखा वो भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे जाने वाले राफेल फाइटर जेट को लेके है और इसी को लेके अब विवाद शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहूंगा, भारतीय नौसेना ने भारतीय रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव दिया राफेल मरीन फाइटर जेट, जो कि फ्रांस द्वारा निर्मित है और भारत द्वारा खरीदा जा रहा है अपनी नौसेना के लिए। इसी को लेकर दोस्तों, भारतीय नौसेना का कहना है कि डीआरडीओ द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने वाला भारत का स्वदेशी रडार सिस्टम, जो कि भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम उत्तम फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है, जो कि नए सुखोई फाइटर जेट में और तेजस MQ-2 फाइटर जेट में भी यूज होने वाला है, जिसे कि अति एडवांस रडार सिस्टम माना जाता है, इसे भारतीय राफेल मरीन फाइटर जेट में फिट कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना का और भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि आने वाले समय में भारत के जो स्वदेशी फाइटर जेट होंगे उन सभी में इसी उत्तम रडार सिस्टम का यूज होने वाला है। तो भारतीय नौसेना का मानना है कि उन्हें अपने फाइटर जेटों के साथ तालमेल बनाने के लिए सेम रडार सिस्टम को लगाना ज्यादा बेहतर है, जिससे कि भारत की निर्भरता भी विदेशी देशों के ऊपर कुछ ना कुछ कम होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या फ्रांस अपने राफेल जैसे अति एडवांस फाइटर जेट में भारत के इस स्वदेशी रडार सिस्टम को लगाने की अनुमति देगा। हालांकि दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पहले ही इस बात को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन दोस्तों, सोर्सों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय साइंटिस्टों ने गैलीलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी पे आधारित एक अति एडवांस रडार सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया है और कई सारे रक्षा विशेषज्ञों और रिलायबल सोर्सों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि इसी अति एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारतीय एमका जैसे 5th generation फाइटर जेट में भी होने वाला है। कहीं ना कहीं दोस्तों, भारत की इन्हीं सब उपलब्धियों को लेकर भारत अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी के मामले में 2 कदम आगे निकल चुका है। यही कारण है कि भारतीय तेजस फाइटर जेट जहां जाता है कमाल करके आता है और आने वाले समय में भारतीय एमका फाइटर जेट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना बनकर सामने आएगा। बाकी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप सभी के क्या विचार है, कमेंट्स कर अपने अवेलेबल विचार जरूर बताएं।